And it's gonna be a good day, cause I'm leaving you in Solon, cause I'm leaving you in Solon. And it's gonna be a good day, cause I'm leaving you in Solon. You remember what I said, don't come to me when you get upset. Not in the mood, it's all for you, cause when I do I don't like myself. I've been ignoring you day and night, tell you now, don't be surprised. I'm some baddish, you be talking too much like it's a fucking okay. I've been taking drugs, wishing cause wanna be alright. My past ain't been so good, I'm not surprised. Bought a gun, put that shit in my eyes, and tell you my 30 fucking reasons why, yeah. Ay, 30 reasons why, yeah. Ay, and it's gonna be a good day, cause I'm leaving you in Solon, cause I'm leaving you in Solon. And it's gonna be a good day, cause I'm leaving you in Solon. Remember what I said, don't come to me when you get upset. Not in the mood, it's all for you, cause when I do I don't like myself. I've been ignoring you day and night, tell you now, don't be surprised. I try to ignore you, but in the end I'm just missing you. Shawty on mine, shawty hasn't been tonight. Shawty in my room, red pointer in the ass. Do it like I said, be gone by the day. But it's a different with you, I want you to stay. Make some motion going through, put that shit in my lane, shit in my lane. And it's gonna be a good day, cause I'm leaving you in Solon. You remember what I said, don't come to me when you get upset. Not in the mood, it's all for you, cause when I do I don't like myself. I've been ignoring you day and night, tell you now, don't be surprised. And it's gonna be a good day, cause I'm leaving you in Solon. You remember what I said, don't come to me when you get upset. Not in the mood, it's all for you, when I do, I don't like myself. I've been ignoring you day and night, tell you now, don't be surprised. ये देख वो दिखा था, ये देख ये ओई का टीम है, बाद फिर ये टीबी का एक अच्छा टीम है, बाद ये देख 4MS, ये देख 4MS के प्लेयर से देखिए, फिर और किधर आई नहीं खटी में देख, आने दे टीम्स आएगी अभी, देख देख इतना स्लॉट खाली। नेक्स्ट क्लॉज खाली है,
आज रोज वो यूनिक ही बनाता है रूम। ये देख 4F, 4F भी है देख। स्वार्न है देख इधर, ये पता है क्या स्वान पीएमसी वाला देख। 4F ब्रेक भाई रहेंगे रहेंगे रहेंगे, और बताता ना देखो। हाँ क्या मैं देखो बताता हूँ। हाँ मैं मैसेज करता हूँ ठीक है। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। आज कुछ अच्छे टीम्स आने वाले हैं, जैसे कि मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन से पता चला कि इनवाइटेड टीम्स होने वाली है। एंड मैं अभी कॉल पे बात कर रहा था, इसके लिए वो कंसिडर कर लेना। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था। एंड अभी ये सीन होने वाला है कि टीम्स अच्छे आने वाली है। स्लॉट्स भरने चालू हो गए। एंड देखेंगे कि कौन सी टीम फर्स्ट मैच जो होने वाला है इरेंगल का, ये कौन चिकन डिनर लेके जाएगी। एंड हाउ इट गोज लेट्स सी। गाइज जो भी बंदे न्यू आए चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी बंदे देख रहे हैं लाइक करना मत भूलना गाइज। बहुत अच्छे मैचेस होने वाले हैं क्योंकि आज इनवाइटेड टीम्स आ रही है। जैसे कि मैं रिपीट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को बताया था कि अच्छा हो सकता है, आज अच्छे टीम्स खेलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज इसी के साथ हमारा फर्स्ट मैच चालू हो चुका है। एंड आपके सामने टीम्स, टीम नंबर 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 टीम्स है। बाकी सब टीम्स नहीं आई है। एंड नहीं आई है, नहीं 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 आई है। एंड आपको दिखेगा कि आपके स्क्रीन पे टीम नंबर 1 के एंटी शॉट प्लेज है, जिन्होंने बहुत एक क्यूट सा ड्रेस पहना है। और अभी प्लेन पाथ दिखाऊंगा मैं तो आपको। प्लेन पाथ हो रहा है गाइस मिल्टा पावर से लेके गटका की तरफ।
एंड होगा, थोड़ा सेंटर से जाने वाला है पोचिंग की मिल्टा फार्म, ये हॉट ड्रॉप्स होंगे। मैं देखना चाहूँगा नोवो मैंशन यसनाया शूटिंग रेंज सेवरनी जॉर्जियो पुल प्रिमॉक्स फेरिपियर जो मेन स्पॉट्स होते हैं गेम के, यहाँ कौन कौन सी ट्रीम कैसे स्ट्रैटेजी बना के लैंड करेगी और हाउ विल दे सर्वाइव। गाइस हम देख सक रहे हैं कि ओई की जो टीम है टीम नंबर वन ये ड्रॉप हो चुकी है, इनके पास ओई थग संजू और एंटी शॉट प्लेज ये खेल रहे हैं, और ये लोग कैसे क्या कहाँ उतरेंगे और कहाँ लैंडिंग करेंगे ये अभी आपको दिखेगा गाइस। मैं आपको सब टीम्स दिखाऊंगा, सो आप आराम से बैठना चिल मारना एंड एंजॉय करना कास्टिंग को। और टीम नंबर वन आई गेस मैं देख रहा हूँ यहाँ उतरी है मिलिट्री बेस उतरी है, उनके लेफ्ट में शायद एक टीम है, टीम नंबर 24 है, यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट ब्लड की सिचुएशन। लेट्स सी अगर स्प्लिट में उतरना चाहेंगे तो शायद पुलिस स्टेशन उतर रही है टीम नंबर 24, और शॉट्स ऊपर उतर चुके हैं और वो पहले गन लेके मारने की कोशिश करेंगे बंदों को, और शॉट के पास एक मिनी आ चुकी है गाइस, मिनी उठाएंगे। फोर वी थ्री की सिचुएशन है, लेट्स सी अभी टीम नंबर वन और टीम नंबर 24 कैसे फाइट्स लेती है और कौन ये सर्वाइव करता है। नेज आ रहे हैं, शॉट्स के पास एकेएम है, मिनी है, एकेएम और मिनी का कैसा इस्तेमाल करते हैं ये हम देखेंगे, और कौन टीम फाइट लेती है और कौन जीतती है। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि जो ओई की टीम है ये 3v4 का सिचुएशन कैसा हैंडल करती है, उनका माइंडसेट क्या होता है और कैसे क्या वो गेम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है गाइज मैं देख सकता हूँ टीबी राफेल ने डीपी रजत को नॉक किया, 60S नरुटो ने यूएस के मोसा वाईटी को नॉक किया, समर्टी ने 60S के शाय शाय को नॉक कर दिया है। हम देखेंगे यूएस के टीम के पास जाएंगे, यूएसके के जो सेज एलेस्टर है, यूएसके की जो टीम है टीम नंबर 5 एलेस्टर पेन किलर्स ले रहे, उनके पास हीलिंग्स नहीं है गाइज, देखना होगा कि इन्होंने शायद फाइट कंप्लीट कर ली है, आप ये लूटेंगे और आराम से आगे मैच कंटिन्यू करेंगे। मैं जाऊंगा एक्सटीएटी के पास, जो एज के जो सयूज एज के जो सयूजनिया है ये आगे जा रहे हैं फ्लेयर पे, उनके आगे बंदे उन्हें देखना होगा क्योंकि मैंने मैप में देखा था उनके पीछे स्ट्रॉन्ग की टीम है, उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया। एक्सटीएटी के संजू है यहाँ पे, फोर ब्रेक की जो टीम है वो पोचिंग की शायद 450 ओपी ने एजी साइबर को डाउन किया, ओई संजू ने मोर डेव को नॉक कर दिया है, डेथ 450 ओपी ने बेस्ट स्पोर्ट्स एसबी को नॉक कर दिया है। यहाँ पे टीम 16 जो एफ ब्रेक की टीम है वो अंदर पोचिंग की आ चुकी है, बिकॉज M16 है, डबल M16 खेल रहे गाइस ये, और इन्हें दूसरी गन चूज करनी होगी फटाक से। यहाँ पे क्राइसिस ने BS स्पोर्ट्स SB को नॉक किया, शॉर्ट्स ने यहाँ पे उई संजू को ही नॉक कर दिया, गाइस क्या चल रहा है ये। टीम नंबर 24 के जो मॉड नत्सु है ये
एफपीपी यूज करना है। संजू भाई नॉक हो चुके हैं और उनको फिनिश कर दिया जाएगा। संजू भाई नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे फ्रॉस्ट ने क्राइसिस को नॉक कर दिया है, 450 ओपी ने जी फ्रॉस्ट को नॉक कर दिया गाइस। वो एक गलत नेड और एक कैजुअल्टी हो गई है टीम नंबर वन की। एजी साइबर ने 450 ओपी को डाउन किया और फिनिश कर दिया गाइस। टॉक्सिक प्ले चल रहा है। टीम नंबर 24 टीम नंबर वन पे जाने की कोशिश कर रही है। उन्हें पता है कि उनकी एक कैजुअल्टी हो गई है और वो दो ही बंदे हैं, 2v4 का सिचुएशन है। देखते हैं यहाँ पे कैसा हैंडल करते हैं। और यहाँ पे नेड्स आ रहे हैं वही थग पे, और थग रिट्रीट करने की कोशिश करना चाहेंगे या फाइट लेंगे अभी देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट्स प्ले को उज्जवल ने डाउन किया, मुझे नहीं लगता टीम नंबर, यहाँ पे थग ने उन्हें नॉक कर दिया गया और यहाँ पे टीम नंबर वन का खेल खत्म होता है। 24 यहाँ पे फाइट जीत चुकी है। अभी हम जाएंगे आईएमवी विनोद ओपी के पास। आईएमवी के विनोद ओपी और रेक्स ओपी टू मैन खेल रहे गाइस। ये शायद उनके टीम प्लेयर्स का खाना नहीं हुआ। देखेंगे टीबी के टीम के पास जो ड्रॉप है में क्या है। एमटी है, लूट लाट के पब्लिक चले गई है गाइस। बहुत अच्छे गाइस लिया करो। हम जाएंगे जो दूसरी टीम है 4MS की। 4MS की टीम सेवर नहीं उतरी है, 4MS के फैंटम है। यहाँ पे लेवल 3 का गियर आ चुका है ऑलमोस्ट। हम जाएंगे डीसी की जो टीम है उनके पास। आज सोल आकाश ने डीपी बनी को नॉक कर दिया है। आपके दादा टीम नंबर 20 के बंदे जिनके पास M4 है, लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 3 का फुल गियर है, 7 बैंडेज 3 है, हेल्थ किट 5, एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर्स 5 है।
गाइस मैं जाऊंगा किसी और टीम के पास जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं है, जो है XTAT की टीम। XTAT की टीम संजू, पुष्पा, चमेली और हाइपर, ये लोग आगे आगे जा रहे हैं। सेकेंड मैच कौन सा मैप है? हाइपर जो XTAT हाइपर है जा रहे हैं। मैथ्यू मैं आपको बताऊंगा, जस्ट एक सेकेंड मेरे को देना, मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा मैच है। सेकेंड मैप डिस्कॉर्ड सेकेंड मैच के कुछ अपडेट्स आए नहीं है मैथ्यू, इफ मेरे को आ गया लेट यू नो। ओके सो तब तक के लिए आप मैच देखो। XTAT के संजू और बाकी सब टीम से इन्हें हील करना चाहिए क्योंकि अब भी ये जोन से कट के आए हैं। चाइना की जो टीम है, चाइना वो टू मैन स्क्वाड खेल रही है। USK की टीम उनके बाजू में है, जो टीम नंबर 7 है, टू मैन स्क्वाड नहीं, थ्री मैन स्क्वाड खेल रही है। बेब का निकाह है, वो कैजुअल टीम है, उन्होंने खो दिया एक प्लेयर। अभी स्काउटिंग चालू है मुझे लगता है दूर से बंदों की। यहाँ पे माफिया को नॉक कर दिया गया और उनके भी एक प्लेयर नॉक है टीम नंबर 5 के। अभी देखना, मैं ये चाहूंगा कि टीम नंबर 15 और 5 की फाइट किस प्रकार होती है, हाउ दे सरवाइव और दे लूज। यहाँ पे स्मोक किया है माफिया के पास और मैं जगह पे एक और स्मोक करना चाहिए, एक जगह पे अभी लो टॉस करना चाहिए, फुल स्मोक करके अपने बंदे पे जाना चाहिए, अभी निकलना चाहिए मुझे तो लग रहा है। जैसा मेरा गेम प्ले, मेरा तो गेम प्ले उतना अच्छा है नहीं गाइस, आई डोंट प्ले रियली गुड। ठीक है, मैं पहले खेलता था फिर पबजी जाने के बाद से। उन्होंने ठाकुर गुरु को आगे भेजा है, नाइस, और वो कवर के लिए उन्होंने एलिस्टर शायद दिख गए गाइस। अभी देखना होगा कि एलिस्टर पे वो शॉट्स लेते हैं या नहीं, वैसा ही कैम करेंगे, स्काउट करेंगे, देखते क्या होता है। यहाँ पे फाइट होने की कोशिश हो रही है, दूसरे टीम के पास जाऊंगा, इनके फाइट मुझे लगता होगी। मैं जाऊंगा पीएस सकी पीएसएफ सुनारा के टीम के पास, जो टीम नंबर 22 है, और इनके आजू बाजू है टीम नंबर 3 जो INV की जो टीम है, टू मैन खेल रहे हैं। इन्हें एडवांटेज है कि अगर इन्होंने दूर से किसी प्लेयर को नॉक कर दिया तो पुश करके उन्हें डाउन कर सक कुछ हो सकता है। पीछे शॉट्स आ रहे हैं, पीछे भी सिंगल टैब चलाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे यूनिकॉर्न बैग लेके है टीम नंबर 22 के प्लेयर जो है सुनारा। इनके पास M4 लेवल 3 की बैग है, लेवल 2 का वेस्ट है, लेवल 2 का हेलमेट है, 17 बैंडेजेस है गाइस, 17 बैंडेजेस। We are down to 15 teams, 49 alive, zone shrink हो रहा है, and मैं देखना चाहूँगा कि जो Phantom और Storm की टीम है और WN Cryz इनकी भी टीम को मैं अभी देखो। यहाँ पे DC Psycho OP ने Edge Sunaya को डाउन कर दिया है, और DC Psycho OP के पास जाना चाहूँगा मैं। जो Edge की टीम है वो फाइट लेने की कोशिश कर रही है, और इनके Sunaya जो है, Sunaya ने इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, सोज
अरे यार ऐसा नाम क्यों रखते हैं गाइस प्लीज मुझे। यहाँ पे टीम नंबर 20 आगे से जा रही है, स्प्रे देने की कोशिश होगी सोम की। सोम ओपन ओपन फील्ड से जा रहे और कवर फायर में आना चाहेंगे। 4x उन्होंने बहुत जल्दी स्विच किया, जल्दी और थोड़ा लेट होता तो यहाँ पे टीम नंबर 20 ने टीम नंबर 21 के एज सुनाया को फिनिश कर दिया है। टीम नंबर एज की जो टीम है बाबा पिंडारी भाई, क्या नाम रखते हो यार, ओपी नाम यार, ओपी पसंद आया मुझे, पसंद आया। जोन जो है वो मिल्टा पावर और फार्म के ऊपर शेल्टर के यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे 4 AM स्टॉम्स, 4 AM स्टॉम्स और INV की टीम है जो एक साथ है। स्टॉम्स के जो मिस्टर राजा QXD है वो बगी लेके अच्छे एक पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। नोवा भी स्टॉम्स स्टॉम्स फ्लैश और ये चार बंदे खेल रहे हैं, 4 मैन अलाइव है। इनका हेलमेट, इनकी जो हेलमेट की स्किन है मुझे बहुत पसंद आई, M4 विथ 3X लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 2 का वेस्ट, बाकी सब चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही है गाइस। यहाँ पे टीम नंबर 9 आ चुकी है टीम नंबर 18 के पास और ZN क्राइसिस को बहुत शॉट्स पड़े हैं। व्रेंज डोन वाइटी ने स्टॉम्स मजाक 333 को डाउन कर दिया है एंड हम देखेंगे कि क्राइसिस ADS में है, ये जोन में जाने की कोशिश करेंगे। स्प्रे आ रहा है गाइस, स्प्रे आ रहा है स्टॉम्स, मिस्टर राजा का 4 MS जैक ने सुनारा को डाउन कर दिया है। 4 MS के पास जाएंगे, यहाँ पे PSF की टीम है वो भी मार खा रही है। स्टॉर्म्स की जो टीम है टीम नंबर 9 है वो कंट्रोल में है, 4 MS की जो टीम है वो भी कंट्रोल में है। 4 MS फैंटम गिर चुके थे, उन्हें रिवाइव मिल जाएगा एंड दे कैन गो फॉरवर्ड विद दैट 4 मैन। टीम नंबर 6 के जो बंदे ये फर्स्ट टाइम इनको स्पेक्टेड करो। टीम नंबर 10 जो है टीम URT टॉक्सिन, ये भी इनके सामने शायद टीम नंबर 6 और टीम नंबर 10 की फाइट हो सकती है गाइस। और शॉट्स आने की कोशिश शायद स्पॉट कर लिया गया है। टीम नंबर 6 ने फ्लेयर मंगाई गई है और टीम नंबर 10 के बंदे स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रा लिन को स्पॉट कर दिया, सिंगल टैप देके डैमेज देने की कोशिश करेंगे और हाइड्रा लिन शायद नॉक हो जाएंगे। 4x के टैप्स में आ रहे, यहाँ पे 4x फैंटम्स हो गए। ADS को लेंगे और फुल स्प्रे करेंगे पर ग्लिच की वजह से लग नहीं रहा उन्हें। यहाँ पे स्टार 9 OP ने टीम URT स्पाइडी को डाउन कर दिया। USK की टीम जोन के अंदर आ रही है, दो टीम TB की टीम MOD की टीम जो है वो बाहर है जोन के और घोस्ट की टीम बैरली अंदर घुसी है। और यहाँ पे INV रेक्स ओपी ने ZN क्राइसिस को नॉक कर दिया है और INOP ने स्पाइडी को फिनिश कर दिया है गाइस। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि क्राइसिस जो है वो डाउन हो चुके हैं। रेंज डोन वाइटी उनको आएंगे पिकअप करने को, हाथ लगाएंगे। रेंज डोन वाइटी की बैग गाइस बहुत डोप लग रही है।
टीम नंबर 20 के बंदर टीम नंबर 18 के बंदर को स्पॉट किया है। ये प्रिजन के ऊपर फाइट चल रही है, आयन स्वान ओपी ने अब भी जाके फिनिश किया है, शायद दो बार नॉक हो चुके थे वो। और आपके दादा आयन विकेट भी टीम टीम नंबर 3 राइट में है, टीम नंबर 20 सामने है टीबी के प्लेयर ने। यहाँ पे डीपी चल रही है सामने, लिथ से शायद दिख रहे हैं क्राइसिस, उन्हें देखना होगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पे आयन भी रेक्स ओपी देखना चाहूँगा, जो बखूबी से चला रहे कि जो स्किन है। टीम नंबर 16 एक्सीएटी चमेली प्ले से प्ले जोन से डाउन हो गई है। टीम नंबर 16 के डेथ गॉड के पास आयन वी के रेक्स ओपी चार्ज कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं बंदे कहाँ है, वो जम करें चार्ज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डीपी ड्रेड एंग्री से ना जेड एन क्राइसिस को नॉक कर दिया है नेड से गाइस। और टीम नंबर 16 अभी पीछे जा रही है, टीम नंबर 3 यही फायदा उठा के उन्हें पुश करना चाहेगी पीछे से। 2v4 का सिचुएशन है पर थर्ड पार्टी होने के चांसेस। यहाँ पे फैल उज्वल ने माफिया को नॉक किया है नेड से, एक्सटीटी हाइपर ने स्ट्रॉम मजार को नॉक किया, टीबी पॉइजन एक्सटीटी हाइपर को नॉक किया। टीम नंबर 16 आगे जा रही है पर रेक्स ओपी को उन्हें स्प्रे नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बंदा जो है टीम नंबर 16 का वो पीछे है। और आईएनवी की जो टीम है यहाँ पे जोन बहुत वियर्ड शिफ्ट ले लिया है। हम आए हैं टीम नंबर 20 के पास जो एक शैक के अंदर है, स्मोक करके लूटेंगे टीम नंबर 20 और निकलने की कोशिश करेंगे गाड़ियाँ लेके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टीम नंबर 6 के जो 4S फैंटम है वो एक 4MS ईगल लाइट ने घोस्ट आइकोनिक को नॉक किया, आइकोनिक ने आपके दादा को नॉक किया, आइकोनिक ने गाड़ी फोड़ के आए गाड़ी फोड़ के आपके दादा को फिनिश कर दिया गाइस। यहाँ पे चाइना ने फैल उज्वल को नॉक किया है। फॉरेस्ट फैंटम मुझे लगता है लेफ्ट राइट किसी एक जगह स्मोक करना होगा या फिर गाड़ियां फोड़नी होगी, जोन के तो अंदर है वो। और टीम नंबर 5 अब मैं देखना चाहूंगा कि सर्कल में भी आर डाउन टू लास्ट 10 टीम्स ऑफ द गेम, 30 अलाइव है, लास्ट जोन है, 10 टीम बाकी है। 4MS आई ईगल ने घोस्ट आइकोनिक को नॉक कर दिया M4 से। एंड डेथ गॉड ने यहाँ पे 4MS आई ईगल को नॉक किया है। और डेथ गॉड टीम नंबर 16 की फाइट चल रही है, टीम नंबर ओ जोन ड्रॉप हो रहा है गाइस। अभी मैं देखना चाहूँगा कि जोन के अंदर जो टीम्स है वो कैसे आते हैं। टीम नंबर 15 के चाइना में नॉक है, ठाकुर गुरु ने रिवाइव कर लेंगे, नहीं वो यहाँ पे मॉड नस्तु ने चाइना को नॉक कर दिया। टीम नंबर 9 और टीम नंबर 20 और टीम नंबर 3 की वहाँ पे फाइट चल रही है लोअर रिज पे, जहाँ पे जोन बैरली है। यहाँ पे मॉड नस्तु ने ठाकुर गुरु को नॉक किया, एंग्री जिक्सर ने आयन वी रेक्स ओपी को डाउन किया, रायन वी विनोद ओपी भी डाउन हो चुके हैं, नोवा अभी भी डाउन है। टीम नंबर 20 अच्छा खेल रही है। एंड यहाँ पे टीम नंबर टीबी के सिगार्स ओपी ने यूएस के एलिस्टर को डाउन किया, यूएस के सेज ने टीबी सिगार्स ओपी को डाउन किया। अभी देखते हैं कि भी आर डाउन टू 8 टीम्स, टीम नंबर 8, टीम नंबर 29 और पीछे मैं देखना चाहूँगा टीम नंबर 5, 13, 24 और टीम नंबर 6, इतनी टीम्स है। और ये टीम्स मैं एक ड्रोन व्यू लेके दिखा दूंगा कि कौन सी पोजीशन में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेजर्ट ने एंग्री रिक्सर को M24 के चार्टर से नॉक किया। 4MS के फैंटम जोन में अपनी जगह बनाना चाहेंगे, बहुत अच्छा टाइम उन्होंने यूज़ किया है क्योंकि सारी टीम्स जोन के एज पे है, टीम नंबर 6 को छोड़ के। यहाँ पे DC के साइको अपनी अपने प्लेयर को उठा के जोन में आने की कोशिश करना चाहेंगे। यहाँ पे प्ले जोन से 4 जैक जो है वो नॉक हो चुके थे। यहाँ पे स्मोक्स आ रहे हैं और मैं जाऊँगा 4MS फैंटम के पास जो पेन किलर्स खा रहे हैं, अपनी हेल्थ रिजनरेट करेंगे। टीम नंबर 9 जो है वो बी एवे आर डाउन टू लास्ट 5 टीम्स ऑफ द गेम, जोन के अंदर जाना होगा, नेड कुक कर रहे हैं टीम नंबर 16 के बंदों के ऊपर। और एफ पी स्विच करके
अनेज स्पैम कर रहे हैं टीम नंबर 16 के बंदे के। आइकॉनिक ने यहाँ पे बाबा पिंडारी को नॉक कर दिया है और इनकी टीम नंबर 6 की एक कैजुअलिटी हो चुकी है और पीछे शॉट्स आ रहे हैं शायद टीम नंबर 24 टीम नंबर 6 पे आ रही है, नीड्स आ रहे हैं तो 24 को संभालना होगा टीम नंबर 6 को, 24 को संभाल। डेथ गॉड ने यहाँ पे एलएमडी डेड शॉट ओपी को नॉक कर दिया है, डेड शॉट ओपी को डेड करने की कोशिश चल रही है। यहाँ पे दो बंदे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 24 के, टीम 24 पे पुश नहीं करना होगा, सिर्फ होल्ड करके खेलना होगा। यहाँ पे मॉड देव को अच्छा डैमेज पड़ा है गाइस। गाइस जो भी बंदे अभी आए स्ट्रीम देख रहे हैं प्लीज मेक श्योर टू लाइक करना मत भूलना यार। एंड जो भी बंदे नए आए वो मयूरेश वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। प्लेज उनसे बॉड नस्ट तू नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 9 के बंदे सामने, टीम नंबर 6 के बंदों को नोवा ओपी ने यहाँ पे आइकॉनिक को नॉक किया है, टीम नंबर 16 के बंदों को स्पॉट किया है 4MS के प्लेयर ने, जो टीम नंबर 16 के बंदे जो फैंटम है 4MS के, ये अच्छा खेल रहे और उज्वल को भी नॉक किया, फिनिश करने की कोशिश करेंगे, देखना चाहिए था। टीम नंबर 24 के जो मॉड देव है वो स्मोक में, शायद अगर फैंटम उन्होंने स्पॉट किए तो कुछ हो सकता है। टीम नंबर जो 24 के लास्ट बंदे अभी देखना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं 4MS के, उज्वल ने 4MS के जैक को नॉक किया था। तब तक वी आर डाउन टू लास्ट 3 टीम्स, टीम नंबर 9, टीम नंबर 16 एंड टीम नंबर 9 एंड 16, ये दो ही बाकी है। मुझे लगा टीम नंबर 6 जीतेगी पर यहाँ पे कुछ दूसरा ही होगा। एफ ब्रेक जो लास्ट थे 4M के वो बच चुके हैं, यहाँ पे 3v1 की सिचुएशन है एंड चिकन डिनर इसका टीम नंबर 9 का होता है। यहाँ पे नोवा नॉक हो चुके हैं डेथ गॉड से और यहाँ पे मैच खत्म हो चुका है गाइस। एंड आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि कौन सी टीम जीत चुकी है एंड 4MS की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी एंड स्कोरबोर्ड आपके स्क्रीन पे गाइस। You love playing games for hours.
Broken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, cause you carve it. You carve it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street light at the end, so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Me under the mezzanine, just so that I could show you. You're golden. Yeah, you're golden. You're golden. Yeah.
The new Vostro 145402 available on dell.co.in/work. Designed to boost business productivity with unparalleled performance and speed. Now available with exclusive offers and benefits. Enjoy easy customization and no cost shipping. Get the best tech for your business on dell.co.in/work. A little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. I dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the devotion. Follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is circling over your mind. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. Yeah, I play you my favorite songs on a car ride.
while you list me all the people that left you in your life. Oh, and you smoke on your chair while I was trying to sleep. I smell the smoke in the air, but that was normal for me. I didn't know, I didn't know. But now I'm 21. It's all of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, feels like I'm 50s. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't do. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. Peggy 18. I can't believe they're gonna pay us. Check everyone, let's make it happen.
give you every chance to make it. I'm afraid if our love collides, you'll leave me alone tonight. 'Cause I'm changing and I'm breaking. Is this over? I'm scared to ask these questions, 'cause I know that you'll reject my love. Moving slower, frozen to these pieces without a shoulder to cry on. I'll be your superhero.
the summer's calling. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सेकंड मैच ऑफ द डे जो होता है 11 बजे का मैच. सेकंड मैच होने वाला है मिरामार एंड मिरामार मैच में बड़ा मैप होता है. ड्रॉप लोकेशंस टीम्स कुछ डिफरेंट चूज करती है जैसे सेंट मार्टिन पावर ग्रिड पेकाडो यहाँ पे कम ही जाना पसंद करती है. एल पोजो कार्टर फील्ड्स ट्रूथ डेविल रोंका ऐसे सब जगह टीम जाना पसंद करती है. मैं जाऊंगा टीम नंबर 21 के पास जो मेरे टीम में जब मैं पबजी खेल रहा था ठीक है रॉन को छोड़ के 90 बैकलैंड मार्शल हाइपर ये साथ में है. टीम उठ चुका है इनका पाथ होने वाला है लॉस हिगोस से लेके लॉस लियोनेस तक होते हुए एलाजार टियर ब्रोंका कैंपो मिलिटार तक होने वाला है गाइस. हम देखेंगे कि सारी टीम्स का उतरती है. एक्सटीएटी की टीम जो है मुझे लग रहा है वो जाने वाली है प्रिजन या मिनास डिसोर. अभी हम आगे वेट करते हैं कि जो मेरी फेवरेट टीम्स है जैसे कि टीम्स हो गई ओई की बीएसएफ ओई के साथ खेल रहे हैं टॉच भाई की बीएसएफ एक साथ खेल रहे हैं बाकी टीबी के थ्री टीबी में खेल रहे हैं यूनिक एंड टीम नंबर 21 के जो हाइपर लैंस मार्शल पगबॉय साथ में खेल रहे हैं. देखते हैं अभी कौन कैसे उतरता है एंड कैसे फाइट्स होती है गाइस. लेट्स गो. टीम नंबर 21 के हाइपर उतर रहे हैं जिनके पास
यहाँ पे हाइप की रुख से बर्न एक्स आर्ची ने इसी प्लेयर को डाउन कर दिया। मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं चैट्स पढ़ रहा था गाइस। तुम चैट नहीं करते तो भी 10 बार मेरे को चैट देखना पड़ता है, बात ही नहीं करते हो स्ट्रीम पे देखते। यहाँ पे टीम नंबर 21 और टीम नंबर 22 साथ में उतरी है, देखते हैं कि टीम नंबर 21 और 22 कैसे क्या फाइट्स लेंगे। यहाँ पे लेवल 3 का हेलमेट मिल गया हाइपर को, एक AKM है, एक UMP है एंड आगे पुश करने की कोशिश हो रही है टीम नंबर 22 के तरफ। टीम नंबर 21 की जो रॉन है वो भी सपोर्ट करेंगे, D2 के डैम मास्टर और 999 साथ में है। देखेंगे कि नीड करना चाहिए। यहाँ पे 4K बनी ने विंचेस्टर से ZN यशराज को डाउन कर दिया है एंड लैंस पे अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं हाइपर और पोजीशन चेंज करके मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे बाकी के जो प्लेयर्स है कि मार्शल हो गए फैन खेल रहे, ठीक है मार्शल क्या कैसा खेलने वाला है देखेंगे हम। मार्शल का सूट भी बहुत अच्छा है, अभी जाके एक गन मिली है और हेलमेट लेवल 1 का है, गन की बैग है, लेवल 2 का वेस्ट है एंड इन्हें गन नहीं होगी क्योंकि अगर फाइट हुई और एक भी कैजुअलिटी हुई और सामने वाले टीम की उसके अच्छी गन हो तो फिर दिक्कत आ सकती है। इनके स्कार 98 है गाइस। बस एक ही मैंने मिल गई है, नेड्स आ रहे 90 पैक, लैंस ने जीत्री 999 को नॉक कर दिया गाइस। टीम नंबर 22 के एक बंदे नॉक है और एक बंदे है बाकी, पुश जाएगा टीम नंबर 21 का टीम नंबर 22 पे। डिफेंस स्क्वाड जो खेल रहे डैम मास्टर है ये उतर चुके हैं और मार्शल उन्हें चेस करने को बाहर से देखते। यहाँ पे 90 पैक लैंस डाउन हो चुके हैं, पहले ये लोग लूट लेंगे और फिर तो को देखो हील करेंगे की टीम के पास जाएंगे। यहाँ पे एंटी शॉर्ट्स प्लेस ने LOC कॉमेट को डाउन किया है और टीम URT टीपी की टीम नंबर TB20 पे जाऊंगा। यहाँ पे टीम नंबर 6 उनके फाइट में है शायद, टीवी के पॉइजन है, इन्हें M16 मिलती है, M16 नहीं करेंगे फिलहाल वो। जी के साइबर्ग ने एक्स्ट्रा टिपिंग को नॉक करके फिनिश कर दिया है, फुल टॉक्सिक गाइस। टीम नंबर 8, टीम नंबर 6, टीम नंबर 19 एक ही जगह पे है गाइस, एक ही जगह पे सड़ होने वाली है, मुझे तो लग रहा है बहुत बेकार सड़ होगी। अभी देखते हैं टीम नंबर व्रेंच, यहाँ पे तो व्रेंच ने हुई थक को नॉक किया, ऐसा कि PSM ने व्रेंच रियान को ट्रेड फायर में नॉक कर दिया है और टीम यार ब्लैंक ने बाबा पेंडरी को नॉक किया है। तो हम यहाँ पे फाइट देखना चाहेंगे कि टीम नंबर 20 की जो टीम है TB की टीम इस फाइट को कैसा ये करती है। बर्न आर्ची जो विंचेस्टर लेके 450 OP ने सकी PSF को नॉक किया है, गब्बर को नॉक किया। यहाँ पे तीन से चार टीम्स यहाँ पे रेंज डोन वाइटी ने ओई थक को फिनिश कर दिया, सुनारा ने ZN क्राइसिस को नॉक कर दिया M4 से। नंबर 19 और टीम नंबर 8 पास है, टीम नंबर 6 का एडवांटेज लेने को देख रही है और पीछे से 20 भी वही चीज करना चाह रही है। एक एनर्जी ड्रिंक पॉप किया, HCT हाइपर ने FS डिमडिम को नॉक कर दिया एंड टीम यार ब्लैंक ने बाबा पेंडरी को अब भी जाके फिनिश किया। XTAT चमेली ने साइबर को नॉक किया एंड रेक्स OP ने रॉन को नॉक कर दिया है, वो जो AFK थे
टेडी चमिले जी टेवर को नॉक कर दिया गाइस। बस चार बंदे देख रहे, जो भी बंदे अभी आए हैं स्ट्रीम पे सब्सक्राइब चैनल एंड वही संजू ने यहाँ पे विंचेस्टर चलाई है एंड टीम नंबर 19 की जो बागी है इनकी बहुत ही कम है, खुद को संभालना होगा, हील करना होगा। मैं तब तक जाऊंगा किसी दूसरे टीम के पास क्योंकि यहाँ पे डी टू के चार ओपी है प्लेयर को लेके बगी में घूमने निकले और जोन इन्हें जाना होगा। यहाँ पे ओई संजू ने व्रेंच रियान को नॉक किया, एंटी शॉर्ट प्लेन व्रेंच को नॉक करके गाइस डार्क खेल रहे सिर्फ ओई के सुनारा है वो दूर है, ओपन में जाना नहीं चाहिए मुझे नहीं लगता। शॉट्स आ रहे हैं दूर से, सुनारा को शायद स्पॉट कर लेंगे अभी और आगे जाएंगे। यहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं हाथ से पीछे से, ठग कवर फायर दे रहा है सुनारा पे और सर लगा के चलानी थी। ओई संजू ने सुनारा को फिनिश कर दिया है, बहुत सही विंचेस्टर चला है। हम जाएंगे जो टीम नंबर हाइपर की जो टीम है उनके पास फिर से, मार्शल के लेवल 2 लेवल बैग है, लेवल 2 का हेलमेट है और 4 हेल्थ के टैप, 5 के 10 बैंडेजेस है क्योंकि ये फिलहाल अभी लूट कर रहे हैं। यहाँ पे AK मन मिल गई है, मार करेंगे कुछ, उन्हें उठाना चाहिए बैंडेज उठाना चाहिए क्यों नहीं रहे पर यार है तो पांच कर लेना। देखिए हाइपर वो क्या कर रहे हैं, हाइपर गाड़ी लेके मार्शल पे आ रहे हैं और लैंस के पास जाऊंगा, लैंस ने भी गाड़ी ले ली, लैंस बहुत दूर है। यहाँ पे फार्मर XRF ने मिस्टर युगा ओपी को डाउन कर दिया है एंड ZN इम्पोर्टेंट ने एफ के क्रश को डाउन कर दिया है। यहाँ पे ईवा ने ओई संजू को नॉक कर दिया गाइस। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओपन फील्ड्स होते हैं मिरामार में सिर्फ इतना ध्यान, सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप रोटेशन दो ऑन फुट या फिर गाड़ी से ओपन फील्ड अवॉइड ही करना। अभी अवॉइड तो पूरा कर नहीं सकते पर अवॉइड करना। टीवी गॉड एक्स ने PA आयुष को नॉक किया, यहाँ पे फाइट होने की कोशिश हो रही है, देखते हैं हम टीम नंबर 7 की फाइट। मैं टीम नंबर 9 की ठाकुर गुरु की टीम के पास जाऊंगा एंड देखूंगा टीम नंबर 13 क्या कर रही है। टीम नंबर 13 अभी फिलहाल लूटने में बिजी है, मैं जाऊंगा वापस टीम नंबर QRT के स्पाइड। यहाँ पे टीवी गॉड एक्स ने फ्लिंच को नॉक कर दिया गाइस, कि क्या फाइट चल रही है यहाँ पे यार।
आयन भी पीटर ओपी भी इनके पास तीन गार्ड चार गाड़ियां है। हेलो बोल रहे बोलना। हेलो हेलो आईएनवी के जो पीटर ओपी है ये भी पाउंड में आ जाएंगे। टीम नंबर जो 921 है मार्शल की टीम है, इन्हें जोन आना होगा। यहाँ पे टीबी गॉडेक्स ने बाय उसको फिर से हाँ कर दिया। इनके सामने कोई टीम नहीं है तो स्पेक्टेट कर रहे हैं क्या पता। हाइपर भी यहाँ पे मैं वीटीआर की टीम के पास जाऊंगा। वीटीआर की टीम है जो ब्रुकलिन है, ये शायद न्यूयॉर्क ब्रुकलिन से आएगा इस। हेलो हेलो अरे क्या है रे अबे स्ट्रीम पे है मैं ये डे बोल। हाँ तो फिर एक बार रिफ्रेश करके देख, नेट बंद करके चालू कर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीटीआर ब्रुकलिन ने थोड़ा फ्लेक्स किया, फ्लेक्स करना भी जरूरी है यार। और यहाँ पे डांस पार्टी चल रही है इनकी गाइस, रियोगा के सामने डांस कर रहे हैं। डांस करते रहो, हम दूसरे टीम के पास जाएंगे। सिन मार्टी पे जो ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप देखेंगे, ड्रॉप पे क्या आप डांस करते रहो। ग्रोजा लेवल 3 की गियर है फुल एंड नाइस। ये भी एक अच्छा ड्रॉप है, इसे मिल जाएगा उसकी चांदी है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा टीम नंबर 21 वहाँ क्या कर रही है गाइस। सोनारा यहाँ पे ओई यूनिक की जो मिराडो है वो ऑलमोस्ट बर्स्ट हो गई है। टीम नंबर 3 इनके सामने, टीम नंबर 4 की टीम नंबर 3 के फाइट होने वाली है। गॉड एक्स ओपी और यूनिक अकेले है और ये बंदे स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 3 के जो डेड शॉट है उनके सामने देखते। माफिया ने यहाँ पे टीआर यार ब्लैंक को डाउन कर दिया। आईएन भी डेड शॉट को स्पॉट किया जाने के टाइम पर स्प्रे नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके तीन बंदे वहां पे। स्प्रे देंगे मुझे नहीं लगता, यहाँ पे यूनिक ने स्प्रे दे दिया है उन्हें। और अभी टीम टी को पता चल गया टीम नंबर 4 यहाँ पे एंड वो नॉर्मली एक सिंगल टैप स्प्रे किया। यहाँ पे टीम नंबर 21 फाइनली गाड़ियाँ लेके आ रही है। इन्हें जोन बराबर देख के आना होगा नहीं तो फिर आ सकती है बॉयज। हाइपर के पास एक बगी है, मार्शल के पास एक बगी है, डांस के पास एक कीप है। ये ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जोन में रुकेंगे और एजेज पे खेलेंगे। पर इनके पीछे टीम यूआरटी है, इन्हें देखना होगा और स्काउट करके आगे जाना होगा। बता सकती है डी एक्स ओपी यहाँ पे जेड एन इम्पोर्टेंट है। 4 के साइना को डॉग किया है गाइस और डी एक्स ओपी जो अकेले पी एच एक्स के साथ ये जोन के बाहर इतने क्या कर रहे। अरे चलो गाइस अंदर 800-600 मीटर जाना है तुम्हें। टीम यार ब्लैंक ने चाइना को डाउन कर दिया है। हम जाएंगे प्योर टीम के पास, जेड एल स्ट्रॉन्ग की टीम के पास। जेड एन इमोर्टल ने पबजी आर्या को डाउन किया है, बर्न आर्ची ने जेड एन इमोर्टल को डाउन किया है। यहाँ पे टॉमी चला रहे बर्न आर्ची को, आर्ची को नॉक कर देगा टॉमी से। इतने डाउन टू 17 टीम्स 51 लाइव अंडर कंट्रोल एक वेयरहाउस के अंदर एंड डीएक्स ओपी की टीम आ रही है। एक्सटीटी चमेली के पास जाएंगे हम। अरे पहुंच जा रहे ट्वेंटी के पास जाएंगे जो टीबी के पॉइजन सोलकाश। अरे यार ये लोग टीम नंबर 8 से फाइट करने की कोशिश कर रहे। देख लिया है शायद जेडन की टीम को।
और यहाँ पे टीम ने 20 वेट करने की कोशिश करे, फाइट्स चालू हो गई गाइस। यहाँ पे जैकेट ने बर्न आर्ची को एकेएम से नॉक किया है। यहाँ पे जीरो गॉड पे केडी ने गॉड, फाइट चल रही है गाइस, फाइट चल रही है, देखना चाहूंगा कि फाइट पे जेड इम्पोर्टल ने फिनिश कर दिया है। अभी टीम नंबर 20 है वो आएगी टीम नंबर 8 के पास। टीबी सिनेक्स ओपी ने जेडन के डकेट को नॉक कर दिया और पॉइजन नॉक हो चुके हैं टीबी के जेड इम्पोर्टल से। इम्पोर्टल नीचे जंप कर दिया उन्होंने, अपने पेड़ को बचाने जाएंगे, पर टीबी के जो बंदे हैं वो दूर से क्या कर रहे हैं पता नहीं। सिनेक्स ओपी को जाना पड़ेगा उनके पास और उन्हें मॉली करेंगे यहाँ से, और मॉली नीचे गिरी, बैरली बच गए। यहाँ पर जेड स्क्वायर ने किड वॉर्टेक्स को डाउन किया है एंड देखना चाहूँगा कि ये तो लास्ट टीम्स है उनमें। यहाँ पे डी टू पर शोपी ने जेड एल में वो शायद मार्शल के साथ क्लैश हो सकती है, बी थ्री का सिचुएशन हो सकता है एंड इन्होंने एक बस ले ली है और वो गाड़ियाँ लेके ये जोन की तरफ जाएंगे। देखेंगे टीम नंबर 21 को जो अभी भी जोन के बाहर है, इन्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना क्यों स्काउट कर रहे हैं। डी टू पर शोपी ने जेड अल्फा वाइटी को नॉक किया है और ये सिर्फ के आसपास कोई नहीं, इन्हें पता होना चाहिए जोन के अंदर 16 टीम्स, बहुत छोटा जोन, सबको जोन के अंदर जाना होगा। यूएसए की टीम है, डी टू की टीम के पास जा रही है और यहाँ पे फाइट हो सकती है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे रयुगा ने हाइड्रलिन को नॉक कर दिया है और टीम नंबर 24 के बंदे सामने हैं टीम नंबर 5 के, टीम नंबर 16 उनके पीछे है। देखिए जेडल स्पैरो है वो भी थोड़े लो थे। यहाँ पे टॉक्सिक डैडी ने आदमी विनोद ओपी को डाउन किया है। रयुगा ओपी ने PHX को M24, हेलो ब्रो, हेलो शेख ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। और अभी मैं देखना चाहूँगा कि यूएसके के जो आरटी है वो पीक करके बैठे डैडी ओपी पे स्टे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक भी शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। एलिस्टर के पास जाऊँगा मैं, एलिस्टर कहाँ पे, एलिस्टर भी अलग एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से स्काउट करेंगे कोई टीम आ रही है कि नहीं उन पर। और मैं जाऊँगा डैडी ओपी के पास, रुको। यहाँ पे जेडल्स पैरेंट एक्सी डैडी ओपी को नॉक कर दिया है और इस चीज़ का फायदा टीम नंबर 5 उठा सकती है और शायद मुझे लगता है उड़ाने वाले हैं। मेरे को अपनी टीम यूआरटी स्पाइडर को नॉक कर दिया है और यहाँ पे फाइट चल रही है। जेडल्स पैरेंट एक्सी डैडी ओपी को नॉक कर दिया है गाइस और फिनिश कर दिया। यूएसके की टीम पुश करने की कोशिश कर रही है टीम नंबर 24 पे, कुछ बंदे गाड़ियों से, कुछ बंदे ऑन फुट जा रहे हैं, अच्छा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पत्थर के पीछे एंगल बना दिया है और टीम नंबर 24 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 3 भी उनके पीछे है, दूर से स्काउट करना होगा नहीं तो दिक्कत आ सकती है। AKM और M16 यूज़ कर रहे हैं। ASK एलिस्टर डेढ़ हवा में बर्स्ट हुआ और टीम नंबर 24 के ऊपर अच्छा एंगल बनाने की कोशिश कर एलिस्टर, बट डेजी रैना को DXOP ने Kar98 से नॉक किया है एंड जोन के अंदर। और जोन एक बहुत ही वियर्ड शिफ्ट, पिकाडो पे जेडन और सोल अक्ष की जो टीम है वहाँ पे BTR ब्रुकलिन रयोगा भी टीम के अंदर है। DXOP एक्स जो बैरली अभी सर्वाइव हुआ है वो बच सकते हैं कि वो जोन के अंदर है। यहाँ पे टीम नंबर 21 की फाइट हो रही है, यहाँ पे टीवा को इंस्टेंटली फिनिश किया है और मार्शल को शॉट्स पड़े हैं। यहाँ पे हाइपर जो है वो नेड कुक करेंगे और आगे थ्रो करेंगे। टीम नंबर 7 और टीम नंबर 21 की फाइट हो रही है। लायंस पे जाना चाहूँगा, लायंस एक अलग एंगल बना रहे हैं। टीम नंबर 7 और टीम नंबर 21 की फाइट हो रही है, तो मार्शल ने नॉक किया था, जोन के बाहर फाइट हो रही है। हेलो ब्रो, प्रो नाइट स्क्रीन में कैसे ले स्लॉट आपके। जोकर गेमिंग वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो,
मार्शल किधर है, मार्शल को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लैंस ने नेड कुक किया है और पुश करने की कोशिश कर रहा है, पर उन्हें देखना चाहिए कि टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं वो दूर है या पास है। अगर दूर होंगे तो दिक्कत आ सकती, पास होंगे तो दिक्कत आ सकती है। मुझे तो नहीं लगता दूर पास है, दूर है वो टीम नंबर 7 के जो फ्लिक के ब्लैंक है वो जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर लैंस को देखना चाहिए आगे। वो लूटेंगे थोड़ा और गाड़ियाँ रोटेशन दे रही, लैंस को लूटने के टाइम ब्लैंक ने नॉक कर दिया है। सागर ओपी, ओई ओपी, यस ये सब ओपी गाइस। जो भी बंदे अभी नए आए जैसे कि सागर ब्रो एंड जोकर गेमिंग, प्लीज वेलकम टू द चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आई नीड टू रीच 600 सब्स विद इन ये 5-6 डेज एंड 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे 1 अप्रैल तक पहुंचना है। अगर तुम ये हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ हेल्प कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। इनको जोन में जाना होगा, फाइट नहीं लेनी होगी, क्योंकि अगर फाइट लिए तो दिक्कत आ सकती है। मैं मार्शल गाड़ी लेके आ चुके हैं, लैंस हील करेंगे और जोन में निकल कोशिश करेंगे। यहाँ पे लैंस को उड़ा दिया है मार्शल ने, और जो आईएनवी रेक्स ओपी ने यूएस के एलिस्टर को डाउन किया। जोन काटेगा, बहुत बेकार काटेगा, इन्हें जोन में जाना होगा अगर गाड़ी ठीक से बची तो। यहाँ पे यूएस के आरटी ने जेडल स्ट्रॉम को नॉक कर दिया है। हाइपर और लैंस ये लोग हाइपर अलग गाड़ी में, लैंस और मार्शल एक गाड़ी में, ये लोग जोन में जाने की कोशिश करेंगे। जोन देखिए कहाँ जा रहे हैं, लेजी रैना ने हाइप और यूआरटी स्पाइडर को नॉक किया, जेड एन इमॉर्टल ने अक्ष को नॉक किया है। हम अभी हाइपर ने एंट्री सीधी ले ली है जोन के अंदर और शॉट्स आ रहे थे हाइपर पे, हाइपर बैरली बचे हैं और उन्हें आगे वाला कंपाउंड देखना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। उन्होंने खुद की गाड़ी को बैरली टास्क किया, उनके सामने ओई के यूनिक ओपी है, उन्हें देखना होगा कि यूनिक वहाँ से उन्हें नॉक ना कर सके। स्मोक करना होगा, ओपन में ऐसे ही खड़े रहे तो फिर दिक्कत आ सकती है। फिर हाइपर अच्छा एक रिच पकड़ने की कोशिश करेंगे, एक डिप में जाने की कोशिश करेंगे ताकि वो सेंटर में, वो आ चुके हैं गाइस, सेंटर में आ चुके हैं, वो ऊपर हिल लेने की कोशिश करेंगे। जो रिजेस है उनके पीछे कोई नहीं है, सेंटर में जोन के हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छी जगह पकड़ ली है, पर उनके पीछे टीम नंबर 15 के बंदे हैं, ये उन्हें देखना होगा। टीम नंबर 15 के बंदे अकेले वो जा रहे हैं टीम नंबर 15 के बंदों पर, नंबर 2 के भी यहाँ पर रुकना होना, उन्होंने वहाँ पर रुके हैं वो। हम जाएंगे मार्शल और लैंस निकल चुके हैं गेम से बाहर, लेजी रहना पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे एक्सटीएटी चमेली की फाइट हो रही है ये बंदों के साथ, एक्सटीएटी के संजू है वो जाएंगे और हील करेंगे, दोनों टीम हील कर, शायद उनकी अब भी फाइट हो चुकी है गाइस। गाइस जो भी बंदे अभी आया प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, जैसे कि जोकर गेमिंग। तुम्हें मैं बोल रहा हूँ नाइट स्क्रीम्स के लिए, तुम्हें अगर ज्वाइन होना है तो मैं डिस्कॉर्ड के लिंक अभी मैं मैसेज कर दूंगा ये मैच के ब्रेक के टाइम, वहाँ पे रजिस्टर करना। 10, 11, 12 के होते हैं मैचेस एंड कास्टिंग होती है, अगर तुम्हें खेलना है तो प्लीज़ मेक श्योर टू रजिस्टर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स प्ले। ठाकुर गुरु ने टीआर यहाँ पे आई मी पीटर ओपिन यूजा वाइटी को बाहर कर दिया है और बेब ने यहाँ पे जीरो क्वालिटी बॉट को, ठाकुर गुरु ने हरीश को नॉक कर दिया। ये फाइट कहाँ चल रही है मुझे नहीं समझ आ रहा भाई साहब। यहाँ पे जेड एन के डकैत है जो ऊपर बैठे हुए है, यहाँ पे टीम नंबर 20 के 16 काश है, ये क्या कर रहे पता नहीं, अभी भी जूस वगैरह निकाल रहे। टीम नंबर 8 के बंदे उनके सामने, टीम नंबर 17 के बंदे लेफ्ट पे है, उन्हें ज़्यादा ओपन नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर XT80 की टीम ने उन्हें देख लिया और वो यहाँ से ओपन फायरिंग दे सकते गाइस, वो फायर क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि स्कोप नहीं है, सो सैड। यहाँ पे सिंगल टैप दे रहे विनोद ओपी गिर है, विनोद ओपी को उन्हें नॉक करना चाहिए था, XT80 हाइपर ने आया ने विनोद ओपी को नॉक करके फिनिश कर दिया है। टीम नंबर 5 के बंदों को जोन में आना है और टीम नंबर 5 के यूएस के मूजा वाई टी भी नॉक हो चुके। टीम नंबर 2 के बंदे वहाँ पे, हम जाएंगे हाइपर के पास, हाइपर जोन के सेंटर में और हाइपर क्या कर रहे हैं, हाइपर यहाँ पे नेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेजी रहना भी वहाँ पे ही है, उन्हें यहाँ पे ही रुकना होगा और कुछ नहीं करना होगा, जस्ट वेट करना होगा इन्हें।
के पास इतना अच्छी है गाइस, हाइपर के पास। हाइपर को अभी अपना गेम दिखाना होगा, आईक्यू यूज़ करना होगा कि वो कैसे क्या खेले। यहाँ पे कोई नहीं आ सकता उनको हाथ लगाने को, यहाँ पे ही रुकना होगा। के अंदर तो वो है, यहाँ पे रुकना होगा, यहाँ पे टीम नंबर 8 के जो बंदे हैं वो शायद उन्हें स्पॉट कर सकते हैं। नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट में भी स्काउट करना चाहिए, नहीं तो अगर राइट में स्काउट नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। वो जोन के एज में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे उन्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि राइट में उनके बंदे 8 के बंदे हैं और जेडन इमॉर्टल ने शायद उन्हें देख लिया है। जेडन इमॉर्टल को देखेंगे वो और आने तक का वेट करेंगे, नॉक कर दिया इमॉर्टल को और फिनिश इंस्टेंटली करना चाहेंगे। जेडन के डकैत है, यहाँ पे इंस्टेंटली नेट डालेंगे कुक करके। बहुत अच्छा खेल रहे हैं हाइपर एंड इतने बंदों का भी ध्यान रखना चाहिए। और मॉली आ गई है उन्हें रोकने के लिए और टीम नंबर 8 के जो बंदे हैं वो हील हो जाएंगे। जो इमॉर्टल है वो कोई के यूनिक भी आ रहे हैं पीछे से, यूनिक के ऊपर हार्ड स्कोप को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूनिक दिख गए उन्हें तो फिर हाइपर और यूनिक की फाइट हो सकती है, जो अच्छे इन रियल लाइफ फ्रेंड्स है। ऊपर आना चाहेंगे एंड जोन के अंदर आ रहे यूनिक, और डकैत ने यूनिक का किल ले लिया है और उन्हें पता है कि हाइपर यहाँ पे है। टीम नंबर 8 के बंदे, हाइपर के पास अच्छी पोजीशन, हाइपर को यहाँ ही रुकना होगा। वी आर डाउन टू लास्ट 16 टीम्स गाइस, सॉरी 16 लाइव टी 7 टीम्स। फायर आ रही है, यूनिक को मार दिया गया और हाइपर को देख लिया गया। हाइपर पोजीशन चेंज करेंगे, टीम नंबर 15 के ऊपर बंदे रयोगा है, रयोगा को देखना होगा नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। एंड हाइपर को बाद में शिफ्ट करूंगा एंड यू आर डाउन टू 7 टीम्स, लास्ट जोन ऑफ द गेम। और डेसी रैना को देखा पर फायर नहीं किया, फ्रेश फ्रूट्स की बैग लेके घूम रहा है वो। यहाँ पे रयोगा ओपी ने एक्सट्रा टीचर डाउन किया, 15 ने टीम नंबर 15 पूरी वहाँ पे है। अगर हाइपर ने उन्हें मारने की कोशिश की तो चारों बंदे यहाँ पे, उनकी पोजीशन पता चल जाएगी। हाइपर को पीछे ही रहना होगा एंड टीम नंबर 8 के बंदे दिख चुके हैं, उन्हें नॉक करना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए। पीछे से रयोगा ने उन्हें देख लिया और फिनिश कर दिया हाइपर का। और टीम नंबर 2 के एक्स जो है वो उन्होंने स्मोक किया, हील करेंगे उनका। लेवल 2 का वेस्ट जो है डैमेज हो चुका था एंड स्मोक के अंदर से उन्होंने अच्छी एंट्री ले ली बाहर। वो अकेले बचे वो देखना पसंद करे, M4 चलने की कोशिश कर रहे। पर जो रयोगा है वो ऊपर स्काउट कर रहे, पीछे भी बंदे हैं, टीम नंबर 20 के जो बंदे हैं वो भी आ गए। टीम नंबर 8 की फाइट हो रही है टीम 20 के साथ और मॉली करेंगे आगे, सोल आकाश को बर्न करने की कोशिश करेंगे। सोल आकाश मर चुके हैं एंड PH के एक्स है वो M4 लेके जोन आ रहा है, स्मोक करेंगे और जोन के अंदर ही उन्हें रहना होगा। रैना को उन्हें नॉक किया है बहुत अच्छे से, रयोगा लेफ्ट में उन्हें वो देखना होगा। वी आर डाउन टू लास्ट 3 टीम्स, टीम नंबर 2, नंबर 15 और एक टीम है टीम नंबर 17। सिंगल मैन है एक्स तो रयोगा के कांटेक्ट में, अपन रयोगा ने उन्हें अच्छा डैमेज दिया है, देख लिया, अच्छा स्काउट किया। देखेंगे कि वी आर डाउन टू लास्ट 3 टीम्स, ठीक है, नंबर 15 रयोगा की टीम जीती है, PH के एक्स जीतते हैं। लेजी रैन ने एक्सट्रेटिक संजू को डाउन किया है और नेड्स आ रहे हैं पर 17 के जो बंदे वो उड़ जाएंगे एंड रेज हो जाएंगे। गाइज 8 बंदे देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, जो भी बंदे नए आए यार एंड जो बंदे पहले से ही देख रहे हैं लाइक करना मत भूलना गाइज। यहाँ पे टीम नंबर 15 एग्रेसिवली पुश कर रही है टीम नंबर 17 पे, एक्सट्रेटिक की हाइपर अकेले बाकी है एंड मैच खत्म हो चुका है एंड आपके सामने विनर्स ऑफ दिस गेम आ गए।
गाइस आपके सामने स्कोर्स आ चुके हैं। अभी मैं लूंगा 10 मिनट का ब्रेक और आपसे मैं लूंगा लास्ट मैच ऑफ द डे उसके लिए, ठीक है? Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free.
dead to me. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way, I'm going up now And I ain't never gonna touch down, touch down.
थकान से भरा एक और दिन बिताने के बाद आप ऑफिस से घर लौटते हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि वाइन से भरा ग्लास हो और आपका पसंदीदा गाना रिपीट मोड पर चलता रहे। आप जानते हैं कि वो कौन सा गाना है। अरे ज्यादा ना सोचिए, बस हमें आपके लिए वो गाना चलाने दीजिए, वही गाना बार बार जितनी बार आप सुनना चाहें। इसीलिए YouTube Music Premium पर अपग्रेड करें और अपने पसंदीदा गाने को रिपीट मोड पर सुनते रहें, वो भी विज्ञापन या किसी रुकावट के बिना। एक महीने के लिए मुफ्त में आजमाएं, नियम और शर्तें लागू। Underneath the rose of trees.
ocean meets the sky. Under your toes, fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. We'll be right back.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Guys, we are back at again with the last match of the night, जो midnight games होते हैं हुई के, and last match होने वाला है रैंगल आपके सामने INV Rex OP team number 3 and दो तीन नई teams आई, जैसे कि XC की teams आई नहीं है, पूर के नई team आई है Elbit, हाँ
कभी जाओ पीयूसी भी करना है, फिर पीयूसी के ज्यादा नहीं लगते पैसे। अरे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहता ना, क्या होता अगर गाड़ी किधर गिरी, एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी क्लेम नहीं होती रिटर्न, वो टूटी तो टूटी फिर भूल जाना गाड़ी को ऐसा। वही इंश्योरेंस नहीं रहता तो इसके लिए खत्म हो गया इंश्योरेंस, गाड़ी लेने का एक साल ही रहता है। गाइज प्लेन पाथ, सॉरी मैं थोड़ा बात कर रहा था, प्लेन पाथ लिपोका से प्रीमॉक्स की तरफ जा रहा है एंड सब टीम्स उतर चुकी है, जो एक दो टीम्स जो लास्ट की है जैसे एल्बिट हो गई, टीम नंबर 13 हो गई, टीम नंबर 14 हो गई है, इन्होंने अभी तक ड्रॉप लोकेशन लिया नहीं है। ड्रॉप वो लेने के बाद हमें पता चलेगा। अब फर्स्ट ब्लड होते हुए बी टी गोकू ने ईटी फैंटम को, ईटीएन फैंटम को नॉक कर दिया। ईगल आई गेमिंग वेलकम टू स्ट्रीम यार, आईडी पासवर्ड ऐसा नहीं देते गाइज, अगर आपको खेलना है। ईएनटी वाइपर ने एएल नो फियर को डाउन किया गाइज, अगर तुम्हें देखना है आई मीन खेलना है गेम तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जो डिस्कॉर्ड की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है अपनी टीम को लेके। 10 11 12 के तीन कस्टम्स होते हैं तो आप तभी खेल सकते हो। यहाँ पे टीम ने 20 और 24 की फाइट अर्ली फाइट हो चुकी है, ईटीएन फैंटम नॉक पड़े हैं, ईटीएन सोन कार्नेज और वाइपर। मैं दूसरे के पास जाऊंगा और देखूँ क्या होता है। 60s पीयूष ने यहाँ पे डाउन किया, यूट्यूब निकोलस को डाउन किया, ओई थग ने जीडीएफ गोकू को डाउन किया, टॉक्सिक ने ओई थग को ट्रेड फायर में नॉक किया, टिन कार्नेज ने एल जयरोपी को नॉक किया, स्टेशनरस ने माफिया को डाउन किया, ईटीएन वाइपर ने नोफियर को डाउन किया, ईटीएन सोन ने टीएल ओमेगा को डाउन किया। टीम नंबर 20 बंदे स्टेबल लग रहे हैं। जो भी बंदे नया है जैसे कि ईगल गेमिंग, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करना ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। आई इस नए बंदे आए सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे फेट पे कॉपी ने अवंतु को डाउन किया है, मैं देखना चाहूंगा कि D2 की टीम है। यहाँ पे ऊपर के साइड कोई नहीं गया, OETB यूनिक ने प्लेयर को डाउन किया एंड वही थग भी डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे फाइट चल रही है, एफ के गोकू है ये फाइट कर रहे हैं यूनिक पर, एट और टीम नोट 20 21 की फाइट हो रही है। यहाँ पे यूनिक को फिनिश कर दिया गया है टीम नोट 21 GDF गोकू ने एंड एंटी शॉर्ट्स प्लेस भी नॉक हो चुके हैं। इसी के साथ टीम नंबर 8 की का गेम यही ख़त्म होता है एंड विल गो टू सी सम अदर टीम। यहाँ पे नोवो के पास जाने की कोशिश करें, टीम 5 के जो AR हरीश है इनके एंड इन्होंने AKM अभी उठाई है, AKM की एमओ भी मिल गई भाई, डबल AKM यूज कर, ये स्किन मेरे पास भी है गाइस। तब पे जेडन यर्शनार ने आयन विभिन्न टॉपिक को शॉटगन से नॉक किया है, रेंज में शॉटगन बहुत बहुत अच्छी आते हैं सब, शॉटगन यूजुअली क्लोज ले। यहाँ पे ओपी उपेन ने जेडन जुल्मे को डाउन किया है गाइस, मैं
और जितने जितने नए नए टीम्स थे एम फोर मिल गई है यहाँ पे टीम यार हरीश को, जितने नए टीम्स आते हैं नए प्लेयर्स आते हैं मेरे को नाम एक से एक अलग अलग अजीब अजीब अच्छे अच्छे नाम यहाँ पे डी एच आहार ऊपर से गिर के ना गिरे हुए इंसान सब बोलना नहीं चाहिए जस्ट मैं कोई दिल पे नहीं लेना जस्ट मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से कि पर प्लेयर गिरा हुआ होता है जो कैरेक्टर है वो गिर जाता है एंड अबे कार 98 से डीएफ स्ट्रॉम को नॉक किया है शायद मुझे लगता है उनको गाड़ी से गिरा दिया है ना पूरी आने जाएंगे यहाँ पे यूएसए की टीम है सेवन पावर रेंजर वाला सूट पहन के आ गए गाइस एंड तो M4 मिल गई है M4 एक क्रोबार AKM लेवल 2 की बैग लेवल 3 का वेस्ट है लेवल 2 का हेलमेट है यहाँ पे यूएस के आरटी को बहुत डैमेज पड़ा डीपी के द्वारा उसके एलेस्टर नो नेम साथ में यस नाम है फाइट और ये टीम नंबर 4 11 की डाउन टू 18 टीम्स या लाइफ भी अच्छे फेवर में टीम्स के टियर शिफ्ट नहीं लिया है जोन ने टियर शिफ्ट लिया होता तो मैं बोलता कि बहुत भलता है यहाँ पे यूएस के डीएमटी बहुत लंबा फ्लैंक देने की कोशिश कर एंड पर जाना पसंद करेंगे वो और वहाँ से फिर स्काउट करना पसंद सेवन के बंदे जो है टीम नंबर 4 के बंदे वॉक कर रहे कोशिश करने वाले अभी जोर से बोलूंगा फिर तेको सोना इसके लिए मैं जोर से नहीं बोलता गाइस लास्ट मैटर ऑफ द डे जो भी बंदे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नए बंदे लाइक करना एंड यहाँ पे 60 स्काई का है वाईटी के किसी प्लेयर को डाउन कर दे जो यूएस के डीएमटी है वो देख रहे हैं दूर से बंदों को और शायद देखेंगे कि बंदे आउट होते हैं या नहीं मैं यस ना से जाना चाहूँगा रजॉक के जहाँ पे यहाँ पे फेट की टीम है टीम नंबर 17 फेट एपिक ओपी गाइस मैं पानी की बॉटल लेके तो देखना तुम
ALS आदित्य जो है टीम नंबर 13 के बंदे, ये ALS के टीम को ही नहीं फर्स्ट टाइम देखे, आरी थंडर ओपी ALS आदित्य यस मैक्सिमस और टाइफन ये एक सी जिटर लैग ने यूएस के आरटी को डाउन किया है। प्ले जोन से हॉक का एक सी डाउन हो चुके हैं गाइस। ये जो टीम है नाम इतने अच्छे अच्छे कहाँ से लेके आते हैं यार। यहाँ पे जेरस ने डीटीएन रावन को नॉक कर दिया। टीम 13 प्लीज फैंस हो। ओके ब्रो मैं दिखाता हूँ टीम नंबर 13 को एज यू से। टीम नंबर 13 जो रोटेशन दे रही है रूइंस के यहाँ पे जो कंपाउंड है वहाँ जाके रुकना पसंद करेगी। सामने टीम नंबर 7 है जो एल्बर्ट की टीम है वो थोड़ी दूर है, उनके पास एक बगी भी है, ये बगी भी ले लेंगे वो और बगी सिक्योर करेंगे और आगे रोटेशन देंगे। टीम नंबर 7 के पास जा रहे हैं शायद टीम नंबर 13 और ओके टीम नंबर 13 इज रुद्रा स्पोर्ट्स। ओके आर ई ओके अब बगी पे एक और गाड़ी उन्हें लेनी चाहिए क्योंकि अगर गाड़ी ली नहीं तो जो थंडर ओपी नहीं आदित्य है गैस, हाँ आदित्य ये नॉक हो सकते हैं और पीछे स्काउट करेंगे टाइफन ओपी और देखेंगे कुछ दिख रहा है क्या नहीं उन्हें। अगर नहीं दिखेगा फिर जा कंपाउंड जान प्रसन्न करेंगे। यहाँ पे यूजुअली उन्हें तुरंत जाके वो गाड़ी लानी चाहिए एंड उनकी जो प्लेयर है वो वैसे ही करेंगे। यूएस के एलिस्टर नॉक हो चुके आयन वी के प्लेयर के द्वारा एंड अभी वो ड्रॉप देखना चाहेंगे। थ्री क्रॉस के बंदे ने यहाँ पे टाइफन ओपी ने दिमाग अच्छा लगा रहा गाड़ी। यूएस के एलिस्टर ने जिटर लैग को लैग दे दिया है डीपी के स्प्रे से एंड वो स्क्वाड हाउस जाना पसंद करेंगे या फिर जोन में जाएंगे। वो जोन के अंदर जाएंगे के आसपास कोई टीम्स नहीं है, वो अच्छा रोटेशन दे रहे गाइस। वी आर डाउन टू 18 टीम्स। ओ आर स्पार्क ओपी ने डी आर जायरन भी डाउन हो चुके हैं, जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैं ड्रॉप देखना चाहूँगा एयर ड्रॉप टू में क्या है, एयर ड्रॉप टू क्या एड ऑफ थ्री के अंदर क्या है, वन और टू तो थ्री के अंदर है। इनके 14 लेवल थ्री का गियर कैमो एक्सिट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एलजी ड्रेक को डाउन किया एंड रेक्स ओपी ने यहाँ पे किसी प्लेयर को डाउन किया एंड केडी बॉट ने एक अच्छा नीड दिया जीरो केडी बॉट ने। राइट की जो टीम है राइट की टीम जो टीम नंबर 21 है जोन में जाना होगा, रोटेशन देना होगा तुरंत। टीम नंबर 21 के बंदे धीरे धीरे रोटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनकी जो गाड़ी की स्किन है बहुत सही लगी मेरे को, फुल विंटेज क्लासिक स्किन। राइट के हुक्म सिर्फ हुक्म करने के देरी होते बंदे गिरा और ये बंदे गिरा था। XT80 हाइपर फूट चुके पॉट के इससे एंड टॉक्सिक है वो आगे जा रहे और हुक्म की गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहे। और ईवा यहाँ पे हमने देखा कि किल फील्ड में नाम आया ईवा 80 ने XT80 चमेली को डाउन कर दिया। वी आर डाउन टू लास्ट 18 टीम्स। लास्ट मैच ऑफ द डे ओई के कस्टम स्क्रिम्स, अगर तुम्हें खेलना है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करना स्ट्रीम को एंड यही करना होता है एंड डिस्कॉर्ड पर जाकर रजिस्टर करना होता है। वो होने के बाद तुम्हें चांस मिलता है 10, 11, 12 के तीन एंड इवनिंग के भी होता है। इवनिंग के कस्टम्स की भी डिटेल्स आपको डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी। XT80 पुष्पा ने यहाँ पे डाउन किया बंदों का, XT80 की टीम अच्छी खेल रही है। XT80 ने ट्रेड फायर में XT80 संजय को डाउन किया है। इवन एक फिनिश किया है ENT वाइपर ने XT80 पुष्पा डाउन किया है। ETN की जो है वो
जो लग रहा था अच्छी खेल रही है। गाइस अगर मैं किसी प्लेयर के बारे में कुछ बोलता हूँ या टीम के बारे में बोलता हूँ, यहाँ पे रोटेशन जा रहा है और स्प्रे देने की कोशिश कर रहा है टीम नंबर थ्री के बंदे, उपेन को डैमेज पड़ा है, टीम नंबर थ्री वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। राइट के हुक्म में उन्होंने बहुत अच्छे स्कारल का स्प्रे दिया एंड वो घर के ऊपर चढ़ेंगे और रेक्स ओपी को डाउन करने की कोशिश करेंगे, नहीं पर वो उन्होंने अपने घर पे जंप की एंड तो वेयर वॉज आया, मैं यहाँ था कि अगर आपको कस्टम्स खेलने हैं तो इवनिंग के भी कस्टम्स होते हैं 4-5 के, उसकी भी डिटेल्स और नाइट के कस्टम्स, मिडनाइट के कस्टम्स के भी डिटेल्स सारी आपको डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी। फ्री टू आस्क क्वेरीज, अगर जो भी क्वेरीज रहेगी बिंदास पूछा करो क्वेरीज एंड उसका जवाब हमारे जो मैनेजमेंट टीम है वो आपको दे दिया जाएगा। और सिर्फ गाइस मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, आई जस्ट एक्सेप्ट योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस, सो एक्सेप्ट भी करता हूँ एंड एक्सपेक्ट भी करता हूँ। सो अगर जो भी बंदे नए देख रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, मेरे को ये 10 दिन, आज की डेट है 3 तारीख, 10 तारीख तक मेरे को 600 सब्सक्राइबर्स पहुँचने हैं एंड अप्रैल तक 1K सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू गाइस कैन डू इट विल बी वेरी वेल एंड गुड। यहाँ पे लास्ट जोन जो जोन ड्रॉप हुआ है वो रजॉक सेंटर ड्रॉप हुआ है, सारी टीम्स जोन के अंदर है एक्सेप्ट USK की टीम और QSR की टीम। सर की जो टीम है वो क्या कर रहे भाई, हेलो सर, हेलो विजार्ड सर, वो अकेले खेल रहे हैं, क्या हो रहा है जनाब। यहाँ पे ये किसी के लॉजिकल जो है इलॉजिकल वो विजार्ड डेक्स और जिटर लैग को लेके के अंदर जा रहे हैं, चारों के चारों बंदे एक ही गाड़ी में हैं और टीम नंबर 23 आ गया, टीम नंबर 15 आ गया, इन्हें जरा ध्यान रखना होगा। सारे प्लेयर्स यहाँ पे उधर जाएंगे और स्काउट करेंगे, जोन के अंदर तो आ गया, पीछे शूटिंग रेंज को स्पेक्टेट करना होगा और देखना होगा कि पीछे से कोई आ रहा है या नहीं। मैं जाऊँगा किसी दूसरे टीम के पास जो है CX की टीम, CS की टीम, मैक्सिमस टीम 13 है के ALS आदित्य, आर्य थंडर ओपी और टाइफन, इन्होंने अच्छी जगह पकड़ ली है के अंदर कंपाउंड के अंदर। ALS आदित्य है बाहर मुझे लग रहा है, के अंदर जाएंगे अपने टीम के पास और वो इजीली पहुंच जाएंगे, कुछ इश्यू नहीं होगा एंड जोन ड्रॉप हो रहा है, गाड़ी ठोक दिए गाइस, लैग हो गया होगा शायद उनका गेम। 5 बंदे देख रहे हैं, जो भी बंदे अभी आया सब्सक्राइब करना है चैनल को, वी आर डाउन टू नेक्स्ट टीम जो है बिलो PLLO टीम नंबर 10 रजॉक के वाटर सिटी है उनके साथ सामने वाला स्क्वाड को ये पकड़ लिया है और रेड के हुक्म ने या किसी प्लेयर को डाउन किया, US की नो नेम डाउन हो चुके हैं एंड एक टीम एक स्क्वाड हाउस गुड स्काउट करना चाहिए सर बंदों को एंड अगर साइट में आए तो नॉक करना चाहिए। देख लिया कि टीम नंबर 21 वहाँ पे है, एक गाड़ियाँ वगैरह स्पॉट कर लिए पर सिंगल टैप्स देखिए वो मारे तो ठीक है। यहाँ पे ALS आदित्य ने पीपी पॉट को डाउन किसी टीम के साथ, नंबर 9 के साथ फाइट कर रही है टीम नंबर 13 अच्छा खेल रही है तो इनके पास। वी आर डाउन टू 15 टीम्स, टी अलाइव जोन ड्रॉप हो रहा है या फिर यूएस के DMT ने ओपी हॉपन को डाउन किया है, यूएस के DOR स्पार्क ओपी ने उन्हें डाउन किया है। ट्रेड फायर में अच्छा कवर फायर आता है और बंदे एक दूसरे को गिरा देते, यहाँ से टीम नंबर 13 ब्रिज क्रॉस करने वाली है और ब्रिज कैम करने की कोशिश करेंगे। एल्बिट थामा ने को डाउन किया है, LG ड्रेक ने यहाँ पे आहत को डाउन किया, ड्रेक ने यहाँ पे एलेस्टर को नॉक किया गाइस एंड 60S पीयूष ने DF आहत को फिनिश कर दिया नॉक करने के बाद। यहाँ पे थोड़ा लूटेंगे आदित्य एंड तो मैं इनको लूटने का चांस दूंगा एंड जाऊँगा एयर ड्रॉप 4 के पास जो वाला है टीम नंबर 6 के बगल में जिसमें है MK14 का फुल गियर ATX और 7.62 की एमओ। टीम नंबर 13 जो है जोन में जाने की कोशिश कर रही है, गाड़ियाँ उन्होंने चेंज की है और गाड़ियाँ रोड के बीच में लगा दी है
और रोड के बीच में सूख के फर्स्ट एड पॉप करेंगे वो। पीछे से बंदे आएंगे, उन्हें देखना होगा। डीपी चलने की कोशिश कर रही है, स्क्रीन के ऊपर शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। बंदे नहीं आएंगे, उन्हें पता नहीं है बंदे आ सकते हैं नहीं, पीछे से बंदे नहीं आएंगे। इसके लिए वो ब्रिज पे रुक गए। टीम नंबर 13 पुश करने जा रही है नंबर 6 पे। टीम नंबर 10 के भी बंदे स्क्वाड हाउस पे है, पर आदित्य को वो देखना होगा, बता सकती हूँ। अच्छा दिमाग लगाया और वो सो गए। वो एक नेड करेंगे और वापस सो जाएंगे। और मैं थोड़ा मैप ज़ूम करके आपको बताऊंगा सारी टीम्स कहाँ पे। और ये सीन चल रहा है जोन के अंदर, सिर्फ जो स्क्वाड हाउस में वो टीम है। सीएस के रोहन डाउन हो चुके हैं एंड बाहर फाइट चल रही है। टाइफून जाना चाहूँगा। एल्बिट थामा की टीम अलग से दूसरा रोटेशन दे रही है और एल्बिट के इम्पैक्ट डाउन हो चुके हैं टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं। एंड वी आर डाउन टू 12 टीम्स और जोन श्रिंक हो रहा है। 103 मिनट जाना है, मुझे लगता है जा पाएंगे। अगर गए तो इट्स चेरी ऑन द केक, अदरवाइज बाय बाय। यहाँ पे टीम नंबर 21 जीडीएफ गोकू, क्या हो गया भाई, ये क्यों ऐसा दिख रहा है? हेलो रॉन्ग नशा वसा की होगा। रजॉक में बहुत सारे टीम्स है। यहाँ पे जिटर लैग को डाउन किया है 60s पीयूष ने। एंड अभी जीडीएफ के गोकू रोटेशन देने की कोशिश करेंगे। जोन के अंदर जाना है। एल्बर्ट के थामा ने किसी प्लेयर को नॉक कर दिया है। जीडीएफ टीम नंबर 21 की जो जीडीएफ को कोई किससे मार रहे पता नहीं। टीम नंबर 17 भी उनके पीछे है, टीम नंबर 25 उनके पीछे है। टाइफन ओपी ने एल्बर्ट द शूट को नॉक किया है। एंड जीडीएफ गोकू ने यहाँ पे अच्छा पोजीशन जमा लिया है। जोन के एज पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, किल्स निकालने की कोशिश करेंगे। टीम नंबर 17 आ रही है, टीम नंबर 24 आ रही है, टीम नंबर 21 यही फिराक में है कि टीम नंबर 25 को डाउन कैसे करे। जोन का डैमेज आ रहा है। टीम नंबर 17 के फेट जो है जेरी, वो भी पीछे ही खड़े हैं, वो शायद टीम नंबर 21 के गोकू पे भारी पड़ सकते हैं। एंड जोन रुक चुका है। एंड 60s नरूटो की जो टीएस की जो टीम है उन्होंने स्मोक किया है। एंड स्काई को शायद उन्होंने स्पॉट किया है और स्काई को टैप्स देंगे डीपी के, पर वो बच चुके हैं। नरूटो आगे निकलने की कोशिश करेंगे स्मोक का फायदा उठा के। यहाँ पे नेड्स स्पैम करने की कोशिश की है, नरूटो नॉक हो चुके हैं लगता है मुझे। यहाँ पे एलबीटी वैकबॉट ने जरस को नॉक किया। 60 पे बहुत सही डीपी का स्प्रे। एंड अभी पुश करना चाहेंगे पीएस पे एंड पुश कर दिया है तुरंत ही। एंड स्प्रे आया गोकू पे, गोकू का हेलमेट फूट गया। और यहाँ पे पीयूष के साथ इंटेंस फाइट हो रही है। गोकू की डीपी चेंज कर दी और यहाँ पे फाइट जीत ली है। जोन में निकलना होगा, 8 seconds बाकी है। एंड टीम नंबर 21 ये जो गोकू है उन्हें गाड़ी लेके निकलना होगा क्योंकि जोन डैमेज देगा। टॉक्सिक को उन्होंने पिकअप कर लिया है और वो निकलेंगे। सामने टीम नंबर 16 है, टीम नंबर 13 है, टीम नंबर 10 राइट में है। उन्हें जोन के अंदर जाके कहीं पे ये पत्थर पे रुका देना चाहिए, उन्होंने वो ही किया और उन्हें पड़ी। एंड यहाँ पे स्मोक करना होगा क्योंकि जो गोकू है उन्होंने यहाँ पे 4K वेनम भी सामने ही है। वी आर डाउन टू लास्ट 3 टीम्स ऑफ द गेम। मैं लूंगा एक ड्रोन व्यू और दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पे बंदे। 4K वेनम ने टाइफन ओपी को नॉक कर दिया है। टीम नंबर 6 और टीम नंबर 10 और टीम नंबर जो 21 है वो यहाँ पे 21 के रायट हुकुम है, वो भी पीछे सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पर जोन आ रहा है, आएगा 50 सेकेंड्स, जोन के अंदर आना होगा। 4K वेनम
फोर के जो वेनम के जो टीम है, फोर की टीम, वो तीन बंदे बाकी है, टेन के तीन बंदे बाकी है, एंड 21 के तीन बंदे बाकी है, 3v3 की थ्री, 3v3v3 से 9v3v3 फाइट्स होती है। पाउंड की टीम को जोन में आना होगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। छह बंदे देख रहे हैं, जो भी बंदे नए आए सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस, प्लीज आई बेग यू, प्लीज ये सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टीम नंबर ये जो 21 के बंदे, दोनों बंदे डाउन हो चुके हैं, और यहाँ पे बर्न आर्ची ने इनमें डैडी को नॉक कर दिया है। दैट MK14 राइट हुकुम को जोन के अंदर आना होगा, एंड वो स्मोक करके जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। के अंदर एड से आ रहे हैं, जोन ड्रॉप हो रहा है, 4K वेनम जो टीम है उनके पास अच्छा अच्छा कवर है। राइट के हुक्म है, वो बर्न आर्ची को मारने की कोशिश करेंगे, पर वो बैरली बच जाएंगे जोन के अंदर आके, बच गए टीम नंबर के जो बर्न आर्ची है वो जोन प्ले जोन से मर जाएंगे। डाउन टू लास्ट 3 टीम, 7 1 की सिचुएशन। यहाँ पे राइट हुक्म पे अच्छा नीड है, उन्हें स्मोक कर देना चाहिए राइट लेफ्ट। मैं थोड़ा जोन के अंदर जाऊंगा एंड दिखाऊंगा कि कैसा क्या सीन हो रहा है। यहाँ पे नेज कर रहे राइट हुकुम, बहुत सही नेज कर रहे, पर कवर जो बनाया है उसके वेनम के ऊपर मॉली आई है, स्मोक करके पुश करने की कोशिश कर रहे हैं टीम नंबर 10, और वेनम को बहुत डैमेज दिया। वेनम हाफ HP बाकी, अगर पुश आया और वेनम ने हील नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। हमने हील कर लिया है एंड वो पीछे आना पसंद करेंगे, एंड क्लॉस को डैमेज दिया। पर टीम नंबर 10 ने गेम जीत लिया है गाइस। तो गाइस आपके सामने स्क्रीन पे रिजल्ट्स आ चुके हैं विद इनविक डैडी की टीम 5, 6, 8, 10 किल्स, एंड बाकी के स्कोरबोर्ड आपके स्क्रीन पर है गाइस। दैट वाज इट फॉर टुडे। बहुत सारी है, मैं सुबह कल कॉलेज की मीटिंग है, इसके लिए मुझे सोना। सिर्फ एक ही बात बोलना है, जो भी बंदे नया है सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, एंड लाइक नहीं किए तो भी चलता है, लाइक बाद में भी हो जाएगी किसी दूसरे स्ट्रीम पे, पर अगर तुम पहले बार आया चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आऊँगा कल आपसे यही स्क्रिम्स की कास्टिंग लेके। अगर आपको लगता है कि मैं गेम्स भी खेलूँ तो फील फ्री टू DM मी इंस्टा पे, एंड मेरा इंस्टा का ID डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। एंड तब तक के लिए गाइज, दिस इज डेड रोज साइनिंग ऑफ, पीस।